लॉकडाउन की अवधि में जारी प्रवेश पास को अपना स्टेटस मत बनाइए जनाब। जी हाँ, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ के द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों तथा दुकानदारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष पास जारी किए हुए हैं ताकि अति आवश्यक कार्य जो है वो जारी रहे। विशेष पास प्रशासन ने जारी किए हैं तथा भीड़ को बाजार में तथा सड़कों पर आने से रोकने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को दी गई है। विशेष पासदारी जब सारा दिन सड़कों पर बिना कारण विचरण करते दिखाई देते हैं तो पुलिस विभाग के ड्यूटी पर खड़े अधिकारी कर्मचारी को कई बार अखरने भी संभावित हो जाते हैं। जब बार बार आने का कारण पूछ लिया जाता है तो पासदारी का स्टेटस भी कई बार जाग जाता है, जिससे दोनों के बीच नोक झोंक तकरार तक बात पहुंच जाती है। अब जनता किसको गलत माने, विशेष पासदारी व्यक्ति को या पुलिस को, यह उसकी समझ से परे की बात हो रही है। कई बार प्रशासन तथा पुलिस विभाग में इस मुद्दे पर नोक झोंक भी हो जाती है, पर इस दुख की घड़ी में हमारे दिमाग में कोरोना रोग की लड़ाई को जीतने के मुद्दे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता है। इस समय किसी को भी ईगो की लड़ाई से बचकर चलने की आवश्यकता है व समझदारी भी है। वर्तमान में सभी को एकजुट होकर के संयम, धैर्य, लगन, समझदारी व समर्पित भाव से आवश्यकता वाले व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाने में तत्पर रहने की आवश्यकता है। वैसे भी दो दिन से लोगों की आवाजाही बाजार के अंदर और सड़कों पर काफ़ी बढ़ चुकी है। कलम न्यूज़ की ओर से विशेष पासदारी व्यक्तियों से भी निवेदन है कि वे अपने किए जाने वाले कार्यों की प्रतिदिन पहले सूची बना लें तथा बाजार जहां आवश्यकता वाले स्थानों पर एक साथ कई कार्य करके ही आवें ताकि बार बार आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े। दूसरा, आपकी टीम को सभी कार्यों का विभाजन भी कर देवें ताकि जिनको बाहर की ड्यूटी दी जावे वे ही बाहर जावें, दूसरे नहीं जावें। पुलिस की चेकिंग में कई बार यह बात सामने आई है कि जिस गाड़ी का वाहन पास जारी किया हुआ है उस गाड़ी में बिना पासदारी व्यक्ति भी बैठे मिले हैं और इधर उधर घूमते नज़र भी आए हैं। प्रशासन की ओर से जिस मंशा से पास जारी किए गए हैं उस मंशा के अनुसार कार्य करने में हमें खरा उतरने का प्रयास करना होगा ताकि पासदारी व्यक्ति पर भी कोई टीका टप्पणी नहीं हो सके। कलाम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।